पेश है अभी तक की खबरें। एक ऐसा वाकया जो विनायक नगर में पेश आया है। बताया जाता है कि कॉर्डन सर्च के तहकीकात के दौरान विनायक नगर नेरेडमेट्टू पुलिस स्टेशन कुशीगुड़ा एसीपी कृष्णमूर्ति और मलकागिरी एसीपी संदीप और इनके साथ मौजूद थे इनकी पूरी टीम। कुशीगुड़ा एसीपी कृष्णमूर्ति मलकागिरी एसीपी संदीप ने कॉर्डन सर्च के तहकीकात के दौरान 55 मोटरसाइकिल, एक कार, एक ऑटो और 4 सिलेंडर को जब्त किया। बताया जाता है कि इनमें से 2 लोगों के पहले से ही क्रिमिनल में रिकॉर्ड मौजूद थे। पुलिस ने वहां के लोगों से पूछताछ की और अलग अलग जगहों पर जाकर इन्होंने कॉर्डन सर्च की तहकीकात की ताकि कोई भी छुपा हुआ मुजरिम पुलिस की नज़र से बच ना सके। अवाम के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि कॉर्डन सर्च मिशन के तहकीकात के दौरान जिन जिन अफराद के 22 गुम हो गए थे शायद ये कॉर्डन सर्च तहकीकात के तरीके से अवाम को मिल सके और साथ ही साथ पुलिस को लाखों लोगों की दुआएं मिले। हमारे काबिल एसीपी कृष्णमूर्ति और एसीपी संदीप ने अपने कॉर्डन सर्च मिशन में बहुत ही दिलचस्प तरीके से अपना हर वो फर्ज अंजाम दे रहे हैं और अपना हर काम अच्छी बाखूबी निभा रहे हैं। हमें गर्व है हमारे ऐसे काबिल ऑफिसर्स पे। सख्त चेकिंग के पुलिस की सख्त चेकिंग की वजह से वो दिन दूर नहीं है जब हमारा हैदराबाद खुशहाली और चैन और अमन में नज़र आएगा। ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रही है आपका अपना चैनल TV99 से।